नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः एक बार इस श्रृंखला में स्वागत है जिसमें हम पाठचर्या पर्यंत भाषा विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आपसे बात करते हैं। आज का शीर्षक है पाठचर्या पर्यंत भाषा में आकलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकलन की जब हम बात करते हैं और खासतौर पर जब हम भाषा के शिक्षक नहीं है, किसी विषय के शिक्षक हैं, तो हमारे सामने यह प्रश्न उठता है, आकलन किसका, भाषा का या विषय वस्तु का। विषयगत शिक्षण, चाहे वह विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान या कोई अन्य विषय, इनमें सदैव यह द्वंद रहा है कि किसका आकलन किया जाए। क्या भाषा का आकलन और विषय वस्तु का आकलन एक दूसरे से भिन्न है? जरा सोचकर देखिए। अक्सर व्याकरण, वर्तनी, वाक्य विन्यास, विचारों के भाषागत संगठन, इन सबको भाषा का क्षेत्र मान लिया जाता है और विषय विशिष्ट संकेतकों, चिन्हों, किसी विषय से जुड़ी तकनीकी शब्दावली, इन सबको किसी विषय का क्षेत्र माना जाता है। परंतु क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है? क्या एक विषयगत शिक्षक होने के नाते यदि किसी विद्यार्थी के उत्तरों में भाषाई अशुद्धियां हैं तो क्या हम उनको अनदेखा कर पाते हैं? वास्तव में भाषा और विषयगत ज्ञान इतने घुले मिले हैं कि उन्हें अलग कर पाना संभव ही नहीं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक विशिष्ट विषय वस्तु की अपनी विशिष्ट भाषाई आवश्यकताएं भी होती हैं। विज्ञान की अपनी भाषाई आवश्यकताएं हैं, गणित की अपनी भाषाई आवश्यकताएं हैं, सामाजिक विज्ञानों की अपनी भाषाई आवश्यकताएं हैं। ऐसे में भाषा को अलग नजरिए से देखने के स्थान पर आवश्यकता है कि हम उसे विषयगत परिप्रेक्ष्य में ही देखें। अतः भाषा को विषयगत परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। आप सोचकर देखिए, क्या गणित, विज्ञान या इतिहास में समान भाषाई तत्व होते हैं? बहुत से तत्व समान हो सकते हैं, लेकिन बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो केवल गणित में हो सकते हैं, विज्ञान में नहीं, जो गणित और विज्ञान में हो सकते हैं, इतिहास में नहीं, जो विज्ञान में हो सकते हैं, गणित और इतिहास में नहीं, या इतिहास में हो सकते हैं, गणित और विज्ञान में नहीं। यदि ये अलग अलग होते हैं तो इन्हें इनके विषय से भिन्न रखकर ना तो देखा जा सकता है, ना ही इनका आकलन हो सकता है। आकलन में बच्चे के भाषाई विकास के स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए। हम जिस भी विषय का आकलन करें, उस विषय में उस बच्चे की जो आयु है, जो उसका विकास का स्तर है, क्या उस बच्चे का भाषाई विकास भी उस स्तर तक हुआ है, इसका ध्यान हमें रखना होगा। अतः हम ये नहीं कह सकते कि भाषागत आकलन विषयगत आकलन से भिन्न है। आइए देखें हम अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करते कैसे। हम सभी शिक्षक ये जानते हैं कि भाषाई उद्देश्य विषयगत उद्देश्यों से पूर्णतः जुड़े होते हैं। जब आप किसी प्रकरण या पाठ का निर्धारण कर लें तो आपको दोनों प्रकार से उद्देश्यों पर चिंतन करना चाहिए, अर्थात विषयगत उद्देश्यों के साथ ही उन उद्देश्यों की पूर्णता के लिए आवश्यक भाषाई कौशलों की आवश्यकता भी होती है। तो उन भाषाई कौशलों से जुड़े उद्देश्यों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी प्रकरण या पाठ की विषय वस्तु की भाषा सामान्यतः एक शिक्षक के लिए भाषागत अधिगम उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक होती है। विज्ञान की भाषा विज्ञान से जुड़े भाषागत अधिगम उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक होगी। गणित की भाषा गणित से जुड़े भाषागत अधिगम उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक होगी। अर्थात किसी भी पाठ या प्रकरण की विषय वस्तु और उसकी भाषा दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम भाषाई अधिगम उद्देश्यों की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विषय में हम जिस भी विषय के शिक्षक हैं उस विषय में कौन से मुख्य संप्रत्यात्मक शब्द, शब्दावली या अन्य विषय विशिष्ट शब्दों की आवश्यकता उस विषय को पढ़ने, लिखने या बोलने के लिए विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। इसके साथ साथ इन विशिष्ट शब्दावलियों को जानने के साथ साथ प्रकरण संबंधी बहुत सारे भाषाई प्रकार हैं, जैसे उनको वर्णन करना पड़ सकता है, व्याख्या करनी पड़ सकती है, तुलना करनी पड़ सकती है, तालिका के रूप में अपने विचारों को, सूचनाओं को प्रस्तुत करना पड़ सकता है। तो ये जो भाषाई प्रकार हैं,
ये विषय विशिष्ट की शब्दावली और उनके मुख्य संप्रत्यात्मक शब्दों से पूर्णतः जुड़े होते हैं। ऐसे में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जब विद्यार्थी किसी भी विषय में अपनी बात रखते हैं, वे किसी भी रूप में रखें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, तो व्याकरण और भाषा संरचना का ध्यान भी उन्हें रखना होता है। साथ ही जब हम उन्हें अपने विषय में कोई भी कार्य, टास्क या दत्त कार्य देते हैं, उनको पूरा करने के लिए भी उन्हें भाषा के स्तर और भाषा ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाषा अधिगम की कौन सी युक्तियां और कौन सी रणनीतियां हमारे विद्यार्थियों के काम आ सकती हैं। वास्तव में हमें अधिगम उद्देश्यों, आकलन और अनुदेशन युक्तियों सबका समन्वय करना होगा। जब हम अधिगम उद्देश्यों की बात करते हैं तो मूलतः हम किसी भी पाठ में ये लिखते हैं कि उस पाठ या प्रकरण की समाप्ति पर मेरे विद्यार्थी से एक शिक्षक के रूप में मेरी क्या अपेक्षा है, मेरा विद्यार्थी किस स्तर को प्राप्त कर लेगा। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम कुछ अनुदेशन युक्तियों का चयन करते हैं, तो हमारी अनुदेशन युक्तियां सदैव हमारे अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लक्ष्य से जुड़ी होती हैं, और आकलन जो निर्धारित अधिगम उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के आकलन के लिए किस प्रकार की या कौन सी आकलन प्रविधि उपयुक्त रहेगी, यह भी हम निर्धारित करते हैं। तो अधिगम उद्देश्य, अनुदेशन युक्तियां और आकलन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनको हम अलग अलग नहीं देखते। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी भी विषय में केवल विषयगत उद्देश्य होने चाहिए या भाषाई उद्देश्य उनमें समाहित होने चाहिए। आइए हम कुछ विषय, विषय वस्तु और भाषा उद्देश्यों से जुड़े उदाहरण देखें जो मैंने विभिन्न विषयों से लिए हैं। यह उदाहरण विज्ञान विषय का है। विज्ञान में एक प्रकरण आता है गति के नियम। यदि हमें गति के नियम पढ़ाने हैं तो इसका विषयगत उद्देश्य, जिसको कई बार शिक्षक केंद्रित उद्देश्य भी कहते हैं, वह हो सकता है कि मैं अपने विद्यार्थियों को गति के नियमों से परिचित कराना चाहता हूं। तो मेरा विषयगत उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को गति के नियमों से परिचित कराना। परंतु हम सब शिक्षक होने के नाते जानते हैं कि हम विद्यार्थी केंद्रित विशिष्ट उद्देश्य भी निर्धारित करते हैं। यदि वे विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण संबंधी हैं, तो हो सकता है आप एक उद्देश्य निर्धारित करें, विद्यार्थी न्यूटन की गति के प्रथम नियम को परिभाषित कर सकेंगे। आप ये भी उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं, विद्यार्थी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण दे सकेंगे। ये तो प्रकरण संबंधी विशिष्ट उद्देश्य हुए। परंतु यदि इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को हमें भाषागत दृष्टि से लिखना हो और भाषाई उद्देश्यों को इनमें समाहित करना हो, तो हमारे उद्देश्य की भाषा हो सकती है विद्यार्थी न्यूटन की गति के नियमों की परिभाषा लिख सकेंगे। अर्थात लेखन कौशल यहां स्पष्ट हो गया। पहले विशिष्ट उद्देश्य में पहले हमने उद्देश्य लिखा था विद्यार्थी न्यूटन की गति के प्रथम नियम को परिभाषित कर सकेंगे। हमने ये कहीं नहीं लिखा कि वे परिभाषा बोलकर सुनाएंगे, वे परिभाषा लिखकर सुनाएंगे। अर्थात हमने वहां पर भाषाई तत्व ध्यान नहीं दिया। परंतु यदि हम भाषाई तत्व को अपने प्रकरण तत्व से जोड़ें, तो हमारा उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थी न्यूटन की गति नियमों की परिभाषा लिख सकेंगे, अर्थात लेखन कौशल की बात होगी। इसी प्रकार पहले हमारा उद्देश्य था विद्यार्थी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण दे सकेंगे। अब हम ये लिख सकते हैं विद्यार्थी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण मौखिक रूप से बता सकेंगे। अर्थात हमने मौखिक वाचन कौशल को इसमें समाहित कर लिया। मैंने एक उदाहरण लिया है जो गणित विषय से जुड़ा है। गणित विषय में विषयगत उद्देश्य हो सकता है, यदि मेरा प्रकरण वर्ग और आयत है, कि विद्यार्थियों को समकोणीय चतुर्भुजाकार आकृतियों से परिचित कराना। अर्थात वर्ग और आयत वे दोनों समकोणीय चतुर्भुजाकार आकृतियां होती हैं। प्रकरण संबंधी विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं कि विद्यार्थी वर्ग के लक्षणों की पहचान कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग और आयत में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। लेकिन फिर यहां आप देखें, हमने भाषा संबंधी उद्देश्यों को अभी नहीं जोड़ा। यदि इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों में मैं भाषाई उद्देश्यों को समाहित करूं, तो मेरा पहला उद्देश्य होगा विद्यार्थी वर्ग के लक्षणों की पहचान मौखिक रूप से बता सकेंगे। अर्थात यहाँ हमने मौखिक वाचन कौशल को जोड़ लिया। अब मेरा उद्देश्य है विद्यार्थी वर्ग और आयत में अंतर उदाहरण सहित लिख सकेंगे। अर्थात हम प्रकरण संबंधी विशिष्ट उद्देश्य और भाषाई लेखन कौशल संबंधी उद्देश्य दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो इसी के आधार पर फिर हम आकलन करेंगे। आइए सामाजिक विज्ञान का एक उदाहरण देखें। विषयगत उद्देश्य है विद्यार्थियों को भारत की स्वतंत्रता में असहयोग आंदोलन की भूमिका से परिचित कराना।
ये शिक्षक केंद्रित उद्देश्य है। इसका प्रकरण संबंधी विशिष्ट उद्देश्य है, विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण पहचान सकेंगे, विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे। परंतु यदि इनके भाषाई उद्देश्यों को हम इनमें जोड़ दें तो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के कारणों की सूची बना सकेंगे, विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विस्तृत वर्णन कर सकेंगे। ये वर्णनात्मक लेखन कौशल है। आइए, मैंने एक उदाहरण हिंदी की एक पाठ्य पुस्तक से लिया है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की कहानी को विस्तार से देते हुए कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। उस पाठ के विषयगत उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि विद्यार्थियों को लता मंगेशकर की जीवनी के साथ साथ संगीत की मूल शब्दावली से परिचित कराना, और उसमें प्रकरण संबंधी उद्देश्य जो हैं वे हैं, विद्यार्थी राग और ताल में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी गायन में शास्त्रीय संगीत का महत्व रेखांकित कर सकेंगे। यदि इनमें मैं भाषाई उद्देश्यों को जोड़ूं, और यहां तो जोड़ना आवश्यक है कि ये तो भाषा का पाठ है, तब यही उद्देश्य पहला हो जाएगा, विद्यार्थी राग और ताल में अंतर उदाहरण सहित बता सकेंगे, विद्यार्थी गायन में शास्त्रीय संगीत के महत्व की व्याख्या लिख सकेंगे, अर्थात रेखांकित कर सकेंगे में उतना स्पष्टता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लिख सकेंगे कह रहे हैं, लेखन कौशल इसमें स्वतः जुड़ जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको विज्ञान से, गणित से, सामाजिक विज्ञान से और हिंदी से कुछ उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया कि यदि हम उद्देश्य निर्धारण के समय ही भाषाई उद्देश्यों को अपने विशिष्ट उद्देश्यों में समाहित कर लें तो हमें इनके आकलन में बहुत सुविधा होगी। आइए देखें कि पाठ्यचर्या परंत भाषा में आकलन होता कैसे। आप ये तीन चित्र देख रहे हैं। जब हम पाठ्यचर्या परंत भाषा में आकलन की बात करते हैं तो सामान्यतः हम मौखिक भाषा का आकलन करते हैं, अर्थात बोलना और सुनना, लिखित भाषा का आकलन करते हैं लेखन कौशल के साथ, और उसके साथ साथ विषय वस्तु का आकलन भी करते हैं। तो यहाँ पर मौखिक भाषा का आकलन, लिखित भाषा का आकलन और विषय वस्तु का आकलन तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो मैंने एमसी ग्रांट और डी फिशर की एक पुस्तक से लिए हैं। यदि आपको अपने विषय में मौखिक भाषा, उसमें भी वाचन कौशल का आकलन करना है तो आप किस प्रकार का रूब्रिक बना सकते हैं? आप उसमें चार आयाम बना सकते हैं। क्या उन्हें इस कौशल में सुधार की आवश्यकता है, लगभग ठीक है, उत्तम श्रेणी का है, या विद्यार्थी ने इस कौशल में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। तो इसमें उपलब्धि स्तर के चार आयाम हो सकते हैं, शैक्षणिक एवं तकनीक शब्दावली का प्रयोग। यदि विद्यार्थी मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय, वह चाहे गणित का प्रश्न हो, विज्ञान का प्रश्न हो या सामाजिक विज्ञान का प्रश्न हो, यदि वह शैक्षणिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करता है तो ये एक आयाम है वाचन कौशल का। विषय वस्तु के विचारों में संबंध निर्माण कर सकता है, विषय वस्तु में जो विभिन्न संप्रत्यय और विचार हैं, क्या उनमें संबंध निर्माण करके, उनमें उचित व्याकरण का प्रयोग करके, और जब वे अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो क्या उसके विचारों में एक तार्किक सातत्य उपलब्ध है? आपको जब वो बात कर रहा है तो क्या आपको उसके विचारों में तार्किक सातत्य दिखाई दे रहा है? यह मौखिक भाषा के आकलन के कुछ आयाम हो सकते हैं। ऐसे ही जब आप उसी विषय में श्रवण आयाम पर आकलन करें तो यदि विद्यार्थी आपसे, आपकी कक्षा में किसी भी विषय, चाहे आप गणित पढ़ा रहे हो, विज्ञान पढ़ा रहे हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हो, वह स्पष्टीकरण हेतु यदि प्रश्न पूछता है तो क्या उसके प्रश्न लगभग ठीक है, उत्तम है, या उसकी भाषाई प्रवीणता उसमें है? जो अध्यापक या वक्ता उनको बताता है, क्या वे उनके विचारों का अर्थ ग्रहण कर पाते हैं ठीक से? ये श्रवण का एक आयाम है। क्या वे उनके विचारों की पुनर्रचना कर सकते हैं, अर्थात अपने शब्दों में उन्हें पुनः लिख सकते हैं, पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं? और क्या वे आपने जो उन्हें बताया उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं? तीसरा आयाम लिखित भाषा के आकलन का है। चूंकि आप अपने प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षाएं लेते हैं, चाहे वे परीक्षाएं पारंपरिक तौर पर हो या आप कक्षा कक्ष में एक परीक्षण छोटे परीक्षण के रूप में ले रहे हो, तो फिर वे आयाम आते हैं कि क्या उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शैक्षणिक और तकनीक शब्दावली का ठीक से प्रयोग किया, क्या विषय वस्तु के विचारों संप्रत्ययों में संबंध स्थापित हुआ, क्या उन्होंने भाषा की दृष्टि से उचित व्याकरण का प्रयोग किया, क्या उन्होंने अपने विचारों को एक कंटिन्यूटी में, एक सातत्यता में, वो भी तार्किक रूप से प्रस्तुत किया,
और उसके आधार पर आप उनका आकलन कर सकते हैं। और इसका चौथा आयाम है विषय वस्तु का ज्ञान, क्योंकि आप एक विषय के शिक्षक हैं, विषय वस्तु के ज्ञान का भी आप आकलन करते हैं। ऐसे में जो दी गई विषय वस्तु है क्या उसकी सटीक जानकारी उनको है, जो भी आपने प्रत्यात्मक विचार उनके समक्ष रखे हैं क्या उनके बीच संबंधों की समझ उनमें विकसित हुई है, क्या उनको सैद्धांतिक जानकारी का बोध हुआ है, या जो भी संप्रत्यय आपने अपने विषय में उनके समक्ष प्रस्तुत किए, चाहे वे विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, क्या इन संप्रत्ययों के प्रयोगात्मक और व्यवहारिक अनुप्रयोगों का बोध उनको हुआ है। और ये चारों आयाम हैं, सुधार की आवश्यकता है क्या इनमें से किसी आयाम में, लगभग ठीक उन्होंने रखा है अपना विचार, उत्तम श्रेणी का है या उन्होंने प्रवीणता इसमें प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार आप अपने विषय में जब आकलन के लिए संकेतक निर्माण करें, केवल विषय वस्तु के ज्ञान के आकलन के संकेतक निर्माण ना करें, साथ ही उनके भाषाई तत्वों के आकलन के संकेतक भी निर्माण करें, तो आप अपने विषय में न केवल विषय वस्तु वरन उस विषय वस्तु के सही संगठन और सही समझ विकसित करने के लिए जो भाषाई कौशल चाहिए उनका भी आकलन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम आकलन को समावेशी बनाएं और भाषा और विषय के बीच की दीवार गिराएं और अपने विषय में विषयगत कौशलों के साथ साथ भाषागत कौशलों का भी आकलन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।